सीतापुर में भगवत कथा के दौरान पंडाल के बाहर खड़ी एक कार द्वारा अचानक ही रफ्तार पकड़ने पर चीख पुकार मच गई। कार में सवार लोग नशे में इस कदर मशगूल हो गए कि खड़ी कार को स्टार्ट करके दर्जनों लोगों पर चढ़ा दी। इस दर्दनाक हादसे में पंडाल में मौजूद एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 8 माह का एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। ग्रामीणों ने इस दौरान कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना संदना के ग्राम मड़िया में एक दुखद घटना भी घटित हुई है, जिसमें एक श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ चल रहा था। उसमें ग्रामवासी इकट्ठा हुए थे और सब लोग अपना समय भजन सुन रहे थे। उसी बीच में गांव का ही एक अरविंद नाम का व्यक्ति लखनऊ में अपनी गाड़ी चलवाता है, लेके उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया था। और उसी बीच में उसका ड्राइवर रजनीश, जो शराब के नशे में था, गाड़ी उसके हाथ से स्टार्ट हो गई और वो समझ नहीं पाया। गाड़ी तेजी में आगे बढ़ गई जो भीड़ में जाके घुस गई। उसमें एक 8 महीने का बच्चा जिसकी डेथ हो गई है घटना में, और 14 व्यक्ति और महिलाएं उसमें घायल हो गए हैं, जिसमें से एक महिला की स्थिति थोड़ी नाजुक है। उसको हम लोगों ने सीएससी से रेफर कराया हुआ है ट्रॉमा सेंटर लखनऊ, जहाँ पे उसका इलाज ठीक है। शेष जो घायल हुए थे उनकी स्थिति काफी ठीक है और उसमें से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। घटना सदना थाना इलाके की है। यहाँ के ग्राम मड़िया में बीती देर रात भगवत कथा का आयोजन चल रहा था। गांव के सैकड़े लोग इस पंडाल में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ कथा सुन रहे थे। घटनाक्रम के अनुसार इसी कथा में शामिल होने आए कुछ लोग कार में बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। इसी दौरान कार अचानक ही स्टार्ट हो गई और सामने बैठे लोगों पर चढ़ गई। पंडाल में मौजूद लोगों का कहना है कि ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक दर्जनों लोग चोटिल हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य लोग फरार हो गए हैं। घटना के बाद एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य लोग फरार हैं। इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में चालक ने कथा सुन रहे लोगों पर अपना कहर बरपाया है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। भैया कौन आई भागी नहीं कैमरे छत्ता पर भैया उठा नहीं।